आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया माधव राव सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले 18 साल से कांग्रेस में शामिल थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म ग्वालियर के प्रसिद्ध सिंधिया परिवार में 1 जनवरी 1971 में हुआ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार 2002 में गुना से लोकसभा सांसद बने थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के पूर्व नेता माधव राव सिंधिया के बेटे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आइए हम आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिंदगी, राजनीतिक करियर के बारे में बताते हैं। 30 सितंबर 2001 को उत्तर प्रदेश में एक हवाई जहाज दुर्घटना में उनके पिता सांसद माधव राव सिंधिया की मृत्यु के कारण गुना निर्वाचन क्षेत्र खाली हो गया था। इसके बाद उन्होंने औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और गुना से 2002 में लोकसभा सांसद चुने गए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के देश राज सिंह यादव को हराया था। इसके बाद वो 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 2002 में वित्तीय मामलों की समिति और विदेश मामलों की समिति के सदस्य बने। वहीं 2008 में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री बने। 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए। 2009 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री बने। वहीं 2012 में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री बने। लोकसभा सांसद 2002 से 2019 तक 4 बार संसद सदस्य रहे। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के कृष्ण पाल सिंह यादव से गुना क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। इसके बाद से उनके और कांग्रेस पार्टी के बीच रिश्ते खटास भरे हो गए। अंततः 9 मार्च 2020 को उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिकीय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 11 मार्च 2020 को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं सिंधिया। बता दें कि सिंधिया की दादी स्ववसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और उनके पिता स्व माधव राव सिंधिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। माधव राव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के सबसे अमीर प्रत्याशी थे। सिंधिया राजवंश की संपत्ति कितनी है इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन इसे 40,000 करोड़ रुपए का बताया जाता है। सिंधिया ने 2014 की लोकसभा के दौरान जो हल्फनामा दिया था उसके मुताबिक उनके पास 32 करोड़ की संपत्ति है। उनके पास एक पैतृक BMW कार भी है। 400 कमरे वाले शाही महल में रहते हैं सिंधिया। दीवारों पर है सोने के पेंट। ज्योतिरादित्य सिंधिया की संपत्ति और उनकी जीवन शैली सपनों जैसी ही है। वह 400 कमरों वाले शाही महल में रहते हैं। सन 1874 में बनकर तैयार हुए इस राजमहल का नाम जयविलास पैलेस है। आपको बता दें कि 400 कमरे वाले शाही महल में 40 कमरों में म्यूजियम है, जबकि महल की सीलिंग पर सोने जड़े हुए हैं। इस भवन की कीमत करीब $200 मिलियन बताई जाती है। इस महल का वैभव पूरे भारत में मशहूर है। इसकी दीवारों पर सोने के पेंट किए गए हैं। इसकी खासियत ऐसी है कि आप भी दांतों तले उंगली चबा जाए। राजसी वैभव से भरे इस महल में भोजन परोसने के लिए चांदी से बनी ट्रेन चलती है। 3500 किलो चांदी के झूमर हैं। दरबार हॉल की खासियत, इस महल का निर्माण 1874 में जीवाजी राव सिंधिया ने करवाया था। लेफ्टिनेंट कर्नल सर माइकल फिलोज ने डिजाइन तैयार किया था। महल की छतों पर सोना लगा है। पैलेस में रॉयल दरबार हॉल है जो 100 फीट लंबा 50 फीट चौड़ा है, 41 फीट ऊंचा है। इसकी छत पर 140 साल से 3500 किलो के 2 झूमर टंगे हैं। इसे टांगने के लिए इंजीनियरों ने छत पर 10 हाथियों को 7 दिनों तक खड़ा रखा था। इन झूमरों को बेल्जियम के कारीगरों ने बनाया था। पैलेस के
पैलेस के डाइनिंग हॉल में चांदी की ट्रेन है जो खाना परोसने के काम आती है। माना जाता है कि जिस वक्त इस महल का निर्माण किया गया था तब इसकी कीमत 1 करोड़ थी, लेकिन आज इस विशाल आकर्षक महल की कीमत अरबों में है। संपत्ति पर है परिवार में खींचतान। करीब 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के लिए सिंधिया राजवंश के वर्तमान प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआओं के बीच जमकर खींचातान चल रही है। मामला कोर्ट में भी है। इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमान ने भी अपने को वारिस बताते हुए कोर्ट में अर्जी दी है, लेकिन वह खारिज हो गई है। सबसे ज्यादा विवाद ग्वालियर के जयविलास पैलेस को लेकर है। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोध में उनकी बुआएं दावा करती हैं कि इस मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोर्ट में तर्क दिया है कि राजवंश में राजा की गद्दी का कानून चलता है और वे इसके अकेले वारिस हैं, इसलिए पूरी संपत्ति पर उनका ही अधिकार है। 1991 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियदर्शनी सिंधिया की पहली मुलाकात एक दोस्त की पार्टी में हो चुकी थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहली नजर में प्रियदर्शनी से प्यार हो गया था। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे। करीब 3 साल तक मुलाकातों का दौर चलता रहा। उसके बाद 12 दिसंबर 1994 में राजकुमारी प्रियदर्शनी और ग्वालियर राजघराने के राजा ज्योतिरादित्य सिंधिया की शादी हुई। प्रियदर्शनी की गिनती देश की सबसे खूबसूरत राजकुमारियों में होती है। वर्ष 2012 में उन्हें देश की 50 सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल किया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 20 खूबसूरत शाही महिलाओं में शामिल है प्रियदर्शनी राजे सिंधिया। बेस्ट ड्रेस्ड हॉल ऑफ फेम लिस्ट में भी प्रियदर्शनी का नाम रहा है शुमार। वर्ष 2008 में प्रियदर्शनी को बेस्ट ड्रेस हॉल ऑफ फेम लिस्ट में शामिल किया गया। अपने शाही अंदाज के लिए प्रियदर्शनी सिंधिया सुर्खियों में रहती हैं। राजपुताना पोशाक से लेकर शाही अंदाज में साड़ी पहनकर अक्सर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कार्यक्रमों में नजर आती हैं। उनके पुत्र का नाम महाआर्यमान सिंधिया है और पुत्री का नाम अनन्या सिंधिया है। महाआर्यन सिंधिया ने अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।